सिरसा के कालावाली की अनाज मंडी में कार्यकर्ता मीटिंग में इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में कमेरे और लुटेरा वर्ग के बीच लड़ाई है। हरियाणा की जनता को अपने पराई की परख है और वर्तमान सरकार के झूठे दावों पर विश्वास नहीं है। बता दें कि अभय चौटाला सोमवार को कालामवाली स्थित अनाज मंडी में हल्के के कार्यकर्ताओं में पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। विधायक अभय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार 40,000 करोड़ के कोयला घोटाले के आरोपित को जेल भेजने की बातें कहती थी, आज उसी पार्टी ने उन्हें कुरुक्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने लोकसभा चुनावों में सभी प्रत्याशी उधार में लिए हैं। नवीन जिंदल को उम्मीदवार बनाया गया है। पहले भाजपा कहते थे कि कोला घोटाला है, लेकिन आज उसी को भाजपा ने एक उम्मीदवार बना दिया है। क्या कहेंगे आप इसमें? प्रधानमंत्री ने खुद 2014 में कहा था कि इसकी तिजोरी में 40,000 करोड़ का कोयला है, अगर हमारी सरकार बनी हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे। इसने जो पैसा इससे इकट्ठा किया है वो सारा वसूल करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। सरकार बनने के बाद कार्रवाई करने की बजाय ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर दिया जिससे देश के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। इस देश को लूटने वाले लोग भाजपा के साथ हैं। अब जो कोई भाजपा का साथ नहीं देता उसके यहाँ ईडी जाती है और ईडी के माध्यम से उसको ड्राइवर धमकाया जाता है और फिर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम से उनसे पैसा वसूला जाता है। हजारों करोड़ रुपया जो है भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों से इकट्ठा किया है, अब इनकी पोल खुल गई। आने वाले समय में जब चुनाव होगा आप देखना, जब 400 पार की बात करते हैं ये 200 पार नहीं कर पाएंगे। इनेलो कब तक सीट घोषित कर देंगे बाकी कैंडिडेट? जल्दी करेंगे, अभी तो 6 तारीख को चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि है, तब तक हमारे कार्यक्रम भी है। कार्यक्रम जब हमारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद बैठ करके तय करेंगे। चर्चाएं आ रही हैं कि सिरसा में हलोपा भी इनेलो का साथ दे रही है लोकसभा चुनाव में, क्या कहेंगे? हर आदमी हमारा साथ देगा, लुटेरों के साथ कोई नहीं जाएगा, सब कमेरे वर्ग के लोगों के साथ लगेंगे। हमारी पार्टी पे लोगों का विश्वास बढ़ा है, आगे और ज्यादा बढ़ेगा। जेडपी की ओर से दुष्यंत चौटाला की ओर से बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा और इनेलो अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाई है, कहीं ना कहीं जेडपी ने खुद नहीं उतारा, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो खत्म हो चुके उनका जिक्र।